जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। गरोठा झांसी से खबर है। आपको बता दें, गुड़सराय गरोठा पुनर्गठन पेयजल योजना का गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत द्वारा भूमि पूजन। जिला झांसी के नगर गरोठा में अक्टूबर को संध्याकालीन में जवाहरलाल राजपूत गरोठा विधायक द्वारा गुड़सराय गरोठा पुनर्गठन पेयजल योजना का विधि विधान से भूमि पूजन किया गया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा आवंटित 83 करोड़ धनराशि से जुझारपुरा से गुड़सराय तक लाइन एवं गुड़सराय में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एवं गुड़सराय से गरोठा तक पाइपलाइन तथा गरोठा में एक अंडरग्राउंड टंकी एवं एक जमीन के ऊपर टंकी बनाई जाएगी। अंडरग्राउंड टंकी में जुझारपुरा बांध से गुड़सराय में फिल्टर होते हुए आने वाला पानी स्टोर किया जाएगा। जमीन के ऊपर बनी हुई टंकी के माध्यम से नगर में पेयजल की सप्लाई की जाएगी। इस योजना को पूरा करने के लिए जून 2023 तक समय अवधि निश्चित की गई है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मुकेश पाल सिंह परियोजना प्रबंधक, हर्षवर्धन दोदेरिया ठेकेदार, बद्री त्रिपाठी जिला महामंत्री गोविंद नारायण गुप्ता, मंडल अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश दोदेरिया, कमलेश लंबरदास सहित भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। गरोठा झांसी अनिल कुमार शर्मा, जगत न्यूज 24। पूरा होने की संभावना है। राज्य सेक्टर कार्यक्रम में पेयजल सरफेस वाटर से दिया जाना है, इसका निर्माण कार्य चल रहा है और ये योजना 83.24 करोड़ की स्वीकृत हुई थी। इसमें जनवरी 19 से काम शुरू हुआ था, मैं कोविड की वजह से थोड़ा लेट हुआ था काम। वर्तमान में जो है ये टाइमलाइन जो दिया है ये हम उसको जून 23 तक पूरा करेंगे। ये जो हर घर नल हर घर जल योजना है उससे अतिरिक्त है ये कि उसी के अलग पार्ट है? वो हर घर नल योजना जो है जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहा है, ये राज्य सेक्टर की योजना है। इसमें कितनी टंकियां बनाई जानी हैं? इसमें जो है एक तो प्रोविजन है इंटेक वेल का SMLT का, उसके बाद में WTP है इसमें, और इसमें जो है 2 CWR है इसके पास में, और एक गुड़सराय में 600 KL का टैंक है, एक यहाँ गरोठा में 400 KL का टैंक है। टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों का 65 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूशन है। गरोठा में 24 किलोमीटर है और बाकी 40 किलोमीटर करीब गुड़सराय में। पानी की सप्लाई कहाँ से आएगी? सप्लाई जो है जुझारूपुर है, ये यहाँ से इसका 41 किलोमीटर पड़ता है इधर उधर, यहाँ से इसका पानी जाता है। आज किस योजना के अंतर्गत क्या कार्यक्रम था और इनसे किन किन गांवों को लाभ मिलेगा? कितनी जब से योगी जी सरकार पुनः सत्ता में आई है और हमें लगता गहन तरीके से चाहे किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का हो या पेयजल का, जहां जिन नगरों में संकट रहता था, तो उसी के तहत जो पुरानी सरकार में 17 के बाद ये योजना बनी थी 83 करोड़ की गुड़सराय गरोठा को पुनर्गठन योजना, कि पेयजल हर घर में कैसे पहुँचे और राज्य सेक्टर के द्वारा इसको बनाया गया था। और आज हमें लगता है यहाँ पर जो गरोठा नगर में टंकी का निर्माण हो रहा है वो सरफेस वाटर से एरच बेतवा से पानी आकर गुड़सराय में, गुड़सराय से यहाँ पर टंकी में पानी आकर सभी पूरे नगर के सभी क्षेत्रों में वितरण होगा। आज इस टंकी का निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया।